हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज हम बरगद के पेड़ के फायदे के बारे में बात करेंगे। बरगद के वृक्ष से सब लोग परिचित हैं। हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं से इस वृक्ष का अभिन्न नाता है। सदियां गुजर जाने के बाद भी वट वृक्ष अपनी जगह पर खड़ा रहता है और फैलता है। वट वृक्ष को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिंदी में बड़ और बरगद कहते हैं, गुजराती में वड़ से जानते हैं और मराठी में वट वडू कहते हैं। प्राचीन काल में संस्कृत में इसे वट न्यग्रोत और बिटपी तथा बहुपाद से जाना जाता था। इसका अंग्रेजी नाम बानियान ट्री है। वट वृक्ष की शाखाएं बहुत दूर तक चारों ओर फैल जाती है। वट वृक्ष की शाखाओं में से जटाएं निकलती है और बढ़कर भूमि में लग जाती है। वट वृक्ष को बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। सदियों से इसका उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणधर्म कफ पित्तनाशक, वेदना को मिटाने वाला और व्रण को भरने वाला होता है। यह रक्त को शुद्ध करता है तथा सूजन का नाश करता है। यह आँखों के लिए हितकारी है। यह ठंडी प्रकृति का होता है और शुक्र का स्तंभन करता है तथा गर्भाशय का शोधन करता है। तो दोस्तों, आज हम बरगद के पेड़ के फायदे के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं बरगद का पेड़ सेहत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होता है। दोस्तों, यह वट वृक्ष मुंह के संबंधी सभी समस्या जैसे कि मसूड़ों का दर्द, मुंह की दुर्गंध, छाले, दांतों में कीड़े होने की समस्याओं को जड़ से खत्म करने की कारगर औषधि है। इसके लिए इसकी लटकती हुई जटा का चूर्ण बनाकर दांतों पर मंजन करने से दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं। इसके अलावा इसकी कोमल लकड़ी की दातुन करने से पायरिया नष्ट हो जाता है और दांतों का दर्द मिटता है। इसके साथ ही दांतों में होने वाले दर्द में इसके दूध को रुई में भिगोकर सिद्र में रखने से दांतों का दर्द दूर होता है और दुर्गंध मिटती है। दोस्तों, यह पुरुषों में धातु विकार की समस्या को दूर करता है। दोस्तों, इसकी जटा का चूर्ण बनाकर 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से पेशाब के साथ धातु का चाना और स्वप्न दोष मिटता है। इसके साथ ही जिन लोगों को यौन दुर्बलता हो और कमजोरी आ गई हो, ऐसे में इसके पके हुए फलों का चूर्ण बनाकर 10 से 20 ग्राम की मात्रा में मिश्री के साथ और दूध के साथ रोजाना सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती है और सभी प्रकार के विकार नष्ट होते हैं और शरीर पुष्ट बनता है। पुरुषों के अलावा यह महिलाओं के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। दोस्तों, महिलाओं में होने वाले रक्त प्रदर में इसकी जटा के नए और ताजे अंकुर को 10 ग्राम की मात्रा में 100 ग्राम गाय के दूध के साथ पीस छानकर 3 बार पीने से रक्त प्रदर मिटता है। इसके अलावा इसके 3 से 5 ग्राम की मात्रा में नए कौपलों का क्वाथ बनाकर सुबह शाम सेवन करने से भी प्रदर रोग मिटता है। जिन महिलाओं को गर्भधारण होने में रुकावट आ रही हो, ऐसी महिलाओं को पुष्य नक्षत्र और शुक्ल पक्ष में वट वृक्ष के नए और कोमल कौपलों को लाकर चूर्ण बनाए और 6 ग्राम की मात्रा में ऋतुकाल के दौरान सुबह शाम पानी के साथ 4 से 6 दिनों तक लगातार सेवन करे। इससे अवश्य ही गर्भधारण हो जाता है। इसके अलावा इसके नए और कोमल कौपलों को पीसकर इसकी बेर के समान छोटी छोटी 21 गोलियां बना लें और 3 गोली घी के साथ सेवन करें। दोस्तों, वट वृक्ष के पके हुए फलों को खुले में और छाँव में सुखाएं। इसके बाद इसे पीसकर सूक्ष्म चूर्ण बनाएं और साथ में मिश्री मिलाएं। इस चूर्ण को बनाते वक्त लोहे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब इस चूर्ण को 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गाय के दूध के साथ रोजाना सेवन करने से वीर्य का पतलापन, शीघ्र पतन जैसे विकार दूर होते हैं। वीर्य के सभी विकार दूर होते हैं और संतान प्राप्ति में आने वाली बाधा मिटती है। दोस्तों, वट वृक्ष के पके हुए फल और साथ में पीपल के फल दोनों को मिलाकर इसे सुखाए और इसका सूक्ष्म चूर्ण बनाए। अब इस चूर्ण को 25 ग्राम की मात्रा में 25 ग्राम घी में भूनकर हलवा बनाए। इसे सुबह शाम सेवन करने से तथा ऊपर बछड़े वाली गाय का दूध पीने से
शरीर हष्टपुष्ट और बलवान बनता है और विशेष बल की वृद्धि होती है। यदि इस चूर्ण को स्त्री और पुरुष दोनों सेवन करते हैं तो रज और वीर्य शुद्ध होकर सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वटवृक्ष की छाल को साय में सुखाकर इसका चूर्ण बनाएं और इसमें दुगनी खांड या मिश्री मिलाकर 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध में पकाकर इसका सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस दौरान खट्टे पदार्थों का सेवन बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।